नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो सड़क देख रहे हैं, ये शहर की ओर जाने वाली सड़क है और आगे LBM स्कूल है, वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे असुविधा ना हो, अराजकता कोई गड़बड़ी ना फैलाने पाए और भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, इसलिए बैरिकेडिंग लगा कर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सामने बिरयानी भी आप देख सकते हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं लोग, बाग भूख लग रही है। आप देख रहे होंगे सारे लोग नामांकन के लिए अपने अपने प्रत्याशी का इंतज़ार करते हुए बाहर। LBM स्कूल झांसी के बाहर का नज़ारा है और गाड़ी पर भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं और यहीं पर नामांकन हो रहा है। तो हर व्यक्ति नामांकन कर निकल रहा है। भाई साहब नमस्कार। कौन से वार्ड से प्रत्याशी हैं भाई? वार्ड नंबर 53 खंडेरा हुए गांधी साहब। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से, क्या नाम है? प्रताप रायवा। तो क्या आपका वो रहेगा वार्ड के लिए? सर्वप्रथम अगर जनता जिताती है तो क्या आप क्या करेंगे वार्ड के लिए? अगर जनता एक बार भरोसा जब जताती है तो पिछले पार्षद की अपेक्षा अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। तो कांग्रेस से टिकट मिला है आपको? वार्ड नंबर 53। नाम? प्रताप रायवा। धन्यवाद। यही लक्ष्मी व्यायाम मंदिर है जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये खंडेराव गेट की ओर जाती है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या हुआ, टिकट आपको मिला कि नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से? वार्ड नंबर 46 से टिकट नहीं मिला, किसी दूसरे बार के प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है। तो अब क्या होगा, आप किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी, लड़ेंगे भाजपा के, लेकिन नॉमिनेशन तो ये तो बगावत कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो फिर क्यों जनता जिताएगी? तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नहीं जिताएगी? दूसरे वार्ड का प्रत्याशी। अच्छा अच्छा, आपके आपके वार्ड से कौन लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का? वो नहीं है, दूसरे वार्ड के प्रत्याशी को टिकट दिया गया, हमारे वार्ड से लड़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जनता आपको प्यार दे रही है? जनता से 86 वोट से आ रहे हैं, जनता अपन को सहयोग करेगी जब अच्छी भारी बहुमत से जीत। जनता आपको क्यों चुनेगी? इसलिए चुनेगी, अपन दो इलेक्शन लड़ चुके हैं पहले और जब हम जनता की सेवा में हमेशा आप सबका तैयार रहते हैं। जीत के फिर भाजपा में आ जाओगे? अब ठीक है, तो देखा जाएगा वो तो। धन्यवाद। ये वार्ड 46 से संजय चड्डा जी हैं जो हमेशा अपने वार्ड में सक्रिय रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं और जनता इनके साथ में है। जनता ने कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। और पिछली बार 86 वोट से हारे थे, तो अब उम्मीद है कि जनता साथ में है, तो उम्मीद क्यों ना हो, हर आदमी उम्मीद करता है। और जैसे कि कह रहे हैं जीत कर फिर भाजपा में आ जाएंगे, तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इस समय। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय चड्डा। वार्ड नंबर 46। फ़ोन नंबर 9889819502। धन्यवाद।